हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बैठी हूँ स्कूटी में और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं बाहर से आज, क्योंकि पूरा दिन हो गया ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने। और आज है तिलवा चौथ, और आप सभी को भी तिलवा चौथ की हैप्पी तिलवा चौथ। तो तिलवा चौथ है और पूजा भी करना है और तिल के लड्डू भी बनाने हैं। तो आज मेरा व्रत भी है, निर्जल व्रत रहता है इसमें, पानी वानी कुछ भी नहीं पी हूँ अभी तक। तो मैं आऊँगी तो लड्डू बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो बस चलो चलते हैं बच्चों को लेने, फिर आते हैं बच्चों को लेकर, फिर करते हैं अपना पूजा और पूजा की तैयारी। ठीक है, ओके, बाय बाय। और यहाँ बाहर कितनी अच्छी आ रही है वीडियो। सो गाइस, घर आ चुकी हूँ और बच्चे भी आ चुके हैं और जा रही हूँ मैं हाथ पैर धुल के। अभी बैग भी नहीं निकाला, हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज करूँगी और इसके बाद में फिर बनाऊँगी लड्डू और पूजा करूँगी। पहले भगवान की पूजा करूँगी, फिर बनाऊँगी तिली के लड्डू। और ये देख सकते हैं, तिली दिखाती हूँ, ये ब्लैक वाली तिली मैंने धुल धुल के वाइट कर दिया है, देख सकते हैं। तो इसको मैंने धुला है, ब्लैक वाली रख दो, और ये वाइट वाली मैंने धुली ही मार्केट से लाई है। और बस ये अभी दूध नहीं निकाला, दूध अभी फ्रिज उसमें है, गाड़ी में। ये दूध बनाऊंगी साबूदाने की खीर, क्योंकि व्रत है। तो चलो दूध निकाल लेते हैं, देखो बच्चा हो तो फटी ना हो पन्नी तो अच्छा है। चलो ले चलो अंदर, गिराना मत। अच्छा तो चलो चलते हैं खाना बनाने। और खाना तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, साबूदाना की खीर बनाना है आज। और बस वही लड्डू बनाऊंगी और ठीक है पी लो। ये नारियल पानी निकाल रही हूँ पीने के लिए, एक गिलास पानी पूरा निकला, देखो देखो इतना सार मिला, इतना एक गिलास पूरा पानी मिला इसमें। और अब निकालेंगे मलाई, मलाई वाला नहीं है, पानी वाला मलाई निकलेगी। आप मेरे लिए लाए क्या? तुम्हारे लिए। तो ये पी लो, लो पियो जल्दी से, गिराना मत, गिराना मत, जल्दी से पी लो तो कम हो जाएगा, तो फिर नहीं गिरेगा। मालिक चाहता इस कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो भोग के लिए ले लेती हूँ दूध और इसके बाद चलते हैं पूजा करने भगवान की। पहले नॉर्मली पूजा करूँगी, फिर उसके बाद में लड्डू बनाऊँगी, फिर चंदा मामा आ जाएंगे तो अर्घ देकर पूजा करूँगी। निकाल लेते हैं भोग, चलते हैं। बना रही हूँ अभी लड्डू और देख सकते हैं खीर बन चुकी है। ये साबूदाना की खीर है और ये अभी इसमें पाग बना रही हूँ लड्डू बनाने का। और ये तिली भून के रखी हुई है ये एक, और ये ठंडी हो चुकी है, अब मैं बना लूँगी लड्डू। तो गाइज मैं अभी बना रही हूँ लड्डू, और लड्डू बनाने के बाद मैंने खाना भी बनाया था,
तो खाने में बनाई थी सब्जी। ये मैं सब्जी काट रही हूँ, सब्जी रोटी बनाई थी। तो क्योंकि भैया के यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी तो उसने भी फोन लगा दिया कि खाना बना लेना। तो फिर इसके बाद खाना बनाई, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। बच्चों के लिए भी बना दी क्योंकि लेट हो रहा था मेरा काम। तो क्योंकि 10 बजे 9:30 बज चुके थे और चंद्रमा निकली ही नहीं थी तो हमें बैठना ही था, तो इससे अच्छा खाना ही बना लिए। खाना बनाते बनाते टाइम हो गया तो ज़्यादा देर बैठने का वो नहीं हुआ कि चलो खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते टाइम निकल गया। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा और चांद निकल आए थे और इसके बाद मैं करने लगी पूजा। पूजा मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया था लेकिन पूजा करते करते निकल आए थे, दिखने लगे थे। निकल तो पहले ही आए रहे होंगे लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी लेट दिखते हैं क्योंकि वहाँ घर बने रहते हैं, बिल्डिंग बने रहते हैं तो दिखते नहीं हैं इतने जल्दी से, थोड़ा टाइम लगता है निकलने में। तो यहाँ दिखने लग गए थे तो हमारी आधी पूजा में, फिर हमने पूजा किया, फिर 7 बार घूमते हैं तो मैंने भी घूमा। इसके बाद फिर चांद निकल ही आए थे देखते देखते, तो उसके बाद अर्घ दिया। पूजा करने के बाद अर्घ देते हैं चंद्रमा माता को, फिर उनकी पूजा करी, चंदन टीका किया, अर्घ दिया, बस फिर हवन किया हमने क्योंकि पूजा के लास्ट में हवन ही करते हैं। और पूजा संपन्न हो गई तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस अर्घ देकर पूजा संपन्न हो गई, अब हम चले जाएंगे अंदर। बहुत ज़्यादा कोहरा भी पड़ रहा था और ये है प्रसाद पूरा। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर, पूजा करके हम लोग आ चुके हैं। पूजा कर ली हो, बहुत लेट चंद्रमा आई है, 10 बजने वाले हैं अभी। चंद्रमा आई है, हम लोग 9:40 पे चंद्रमा दिखी थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट किए थे तो 10 बजने वाले हैं, मतलब पूजा पहले ही स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने बोला, मैं तो पूजा स्टार्ट कर दी थी मैं पहले ही, फिर उसके बाद में वो करी थी। जब चंद्रमा आ गई पूजा करते करते, पूजा करने के बाद तो उनको अर्घ दे दिए, बस पूजा संपन्न हो गई। अब हम आ गए हैं, अब निकाल लेते हैं अपना भोजन पानी और कर लेते हैं। ये है खाना और हम खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो मैं कर लेती हूँ फलाहार और वीडियो को करती हूँ एंड। तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं वीडियो चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। तो चलो मिलते हैं एक अच्छे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।